आज हमारे पास आया है फोसी ऑडियो के तरफ से BT30 Pro एक 2.1 एम्पलीफायर जो कि 600 वॉट RMS का है। तो आज के इस वीडियो में हम इस एम्पलीफायर के बारे में पूरा जानेंगे और इसका जो है साउंड टेस्ट भी हम करके देखेंगे कि ये कितना अच्छे से बजता है। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में यहाँ पे आपको जो है फोसी ऑडियो की मैनुअल मिल जाती है और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में आपको एक SMPS पावर ब्रिक मिल जाता है जो कि इस एम्पलीफायर को पावर देगा। और उसके बाद यहाँ पे एक पावर कॉर्ड मिल जाती है जो कि यूरोपियन स्टाइल की है। उसके बाद देखा जाए तो बॉक्स में साथ ही में आपको यहाँ पे मेन यूनिट देखने मिल जाता है एम्पलीफायर का। ये मेन यूनिट है एम्पलीफायर का। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक ब्लूटूथ का एंटीना भी इस बॉक्स में जो है देखने मिल जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें गाइड मिली है उस गाइड की तरफ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे प्रोडक्ट ओवरव्यू दे रखा है इन्होंने जो कि यहाँ पे फ्रंट और रियर में जो भी कंट्रोल्स और जो भी स्विचेस वगैरह हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसी के साइड में यहाँ पे जो है इन्होंने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दे रखी है। ये स्पेसिफिकेशन हम आपको थोड़ी देर में जो है रिपीट करके डिटेल में बताएंगे। तब तक आप जो है यहाँ पे इसको जो है पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद इस मैनुअल के आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बॉक्स कंटेंट्स लिखे हैं कि पैकेज में क्या दिया हुआ है, साथ ही में इसको सेटअप कैसे करना है और इसकी जो ट्रबल शूटिंग है उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और पीछे के साइड में भी इसकी ट्रबल शूटिंग की इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे जो है इसकी वारंटी की डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है कि ये प्रोडक्ट के अंदर कितनी वारंटी है। ये एम्पलीफायर बोर्ड 24 महीने यानी कि 2 साल की वारंटी के साथ जो है आपको मिलता है। और उसके नीचे यहाँ पे जो है फोसी ऑडियो के कुछ वेबसाइट्स और सोशल लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और इस गाइड को वापस से डाउनलोड करने के लिए एक QR कोड प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब इस एम्पलीफायर के साथ जो है हमें अडेप्टर जो देखने मिल जाता है पावर सप्लाई उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका जो है अडेप्टर है। इनपुट में 100 से 240 वोल्ट तक ये चलेगा और आउटपुट में ये 32 वोल्ट 5 एम्पीयर के DC देगा। और पीछे के साइड आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की इसमें एक LED इंडिकेटर देखने जो है हमें मिल जाती है। और यहाँ पे जो है आपका पावर इनपुट यानी कि 220 आउटपुट जो है आपको यहाँ पे जो पावर सप्लाई का आउटपुट है वो आपको यहाँ पे लगाना है। बॉडी के बारे में बात करें तो काफ़ी एकदम हैवी कंस्ट्रक्शन जो है इसका किया हुआ है। तो चलिए अब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल नंबर है इस एम्पलीफायर का वो है BT30D Pro, ये इसका मॉडल नंबर है। और जिसके स्पीकर का इम्पीडेंस सपोर्टेड वो है 2 से 8 ओम, यानी कि आप इसके अंदर 2 से 8 ओम तक का जो है स्पीकर लगा सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर इनपुट मेथड्स है वो है BT+RC है यानी कि ब्लूटूथ प्लस RC का इनपुट आप इसके अंदर दे सकते हैं। और जिसका आउटपुट मोड है वो आप इसके अंदर जो है पैसिव स्पीकर या सबवूफर या फिर ऑक्स से भी इसके अंदर जो है आउटपुट ले सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है ऑपरेशन की वो है 20 से 20 kHz तक की। और इसके अंदर जो THD रहता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वो लेस देन 0.03% का है। और जो इसका SNR है वो 108 dB का है। जो इसके अंदर चिप यूज़ हुई है IC वो TPA 3255 यूज़ हुई है। और इसका ब्लूटूथ रेंज जो है 50 feet तक का है। और जो इसका इनपुट है DC वोल्टेज का वो 19 से लेके 36 वोल्ट तक का जो है इसके अंदर इनपुट का रेंज है DC इनपुट रेंज। और जिसकी पावर सप्लाई है यानी कि जो इसका करंट है वो करंट यहाँ पे दोस्तों 5 से लेके 17 एम्पियर तक का जो है आप इसको इसके अंदर जो है इनपुट देना है। और यदि अगर इसके आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करी जाए तो पर चैनल आपको यहाँ पर जो है सेटेलाइट स्पीकर के लिए 165 वॉट्स RMS का जो है आउटपुट मिलेगा एट 4 ओम्स पे, यानी कि आप इसके अंदर 2 165 वॉट्स तक के स्पीकर जो है लगा सकते हैं सैटेलाइट के लिए। और उसी के बगल में जो सबवूफर का इसके अंदर जो पोर्ट दिया हुआ है जो टर्मिनल दे रखा है वहाँ पे आपको दोस्तों जो है प्योर
350 वाट्स आरएमएस का जो है 4 ओम्स पे आउटपुट मिलेगा, यानी कि आप इसके अंदर मैक्सिमम 350 वाट तक का जो है लोड डाल सकते हैं 4 ओम्स के ऊपर। तो चलिए अब इसके लुक के बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। तो साइड से कुछ ये एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार से लगता है। सामने के साइड से देखेंगे तो सारे कंट्रोल दे रखे हैं। इसकी बॉडी अगर हम देखें तो ये एकदम हार्ड कास्टेड एल्यूमिनियम से बनी हुई है और यूनिबॉडी डिज़ाइन है। पीछे के साइड से ये एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार से दिखता है, जहाँ पे इसके जो है सारे टर्मिनेशन जो है दिए हुए हैं। और वापस आगे के साइड से आप देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और अगर नीचे के साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है रबर पैडिंग्स मिल जाती है, यानी कि रबर लेग्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपका एम्पलीफायर यदि आप टेबल वगैरह पे भी रखेंगे रूम के अंदर और एकदम ज़ोर से ही बजाएंगे तो स्लिप नहीं होगा, एकदम ग्रिप जो है इसमें पकड़ा के रखेगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसके जो है आउटलुक थी। तो अब इसके डिज़ाइन की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको जो है 5 पोटेंशियोमीटर्स देखने मिल जाते हैं, कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और एक जो है आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। अगर इसके कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो पहले दो कंट्रोल हैं वो आपको सबवूफर के मिल जाता है, जिसमें कि पहला कंट्रोल आपको सबवूफर की जो है जो कि 0.1 चैनल की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए रहता है, और जो सेकेंड वाला जो नॉब है वो आपका जो है सबवूफर का जो इंटेंसिटी यानी कि जो उसकी वॉल्यूम है वो उसके लिए जो है नॉब रहता है। तो यदि बाकी के तीन बचे हुए नॉब्स की बात करें तो यहाँ पे जो तीसरा नॉब आपको जो मिलता है वो है आपका ट्रेबल कंट्रोल, जो कि आपके सैटेलाइट स्पीकर का जो है ट्रेबल कंट्रोल करेगा। और उसी के साइड में जो आपको जो है यहाँ पे फोर्थ नॉब दिखता है वो है बेस कंट्रोल के लिए, यानी कि यहाँ से जो आपके सैटेलाइट स्पीकर्स में जो बेस जाएगी वो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और जो लास्ट वाला जो नॉब आता है वो है एक मास्टर वॉल्यूम का नॉब, यानी कि यहाँ से जो है आपके एम्पलीफायर की जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसे आप ट्यून डाउन या ट्यून अप कर पाएंगे, यानी कि सिंपल भाषा में आप उसको जो है कम या ज़्यादा कर पाएंगे। तो यदि इस एम्पलीफायर के फ्रंट साइड में दिए हुए स्विच के बारे में बात करें तो ये आपको एक पावर ऑन ऑफ का टॉगल टाइप का स्विच देखने मिल जाता है, जिसमें कि जब आप इसको नीचे के साइड करेंगे तो आपका एम्पलीफायर जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, और यदि आप इस स्विच को ऊपर के साइड जो है पुश करेंगे टॉगल करेंगे तो ये जो है आपका एम्पलीफायर जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और पावर स्विच के बाजू में यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर देखने मिल जाता है, जो कि जब रेड होगा तब वो इंडिकेट करेगा कि अभी आपका जो है एम्पलीफायर RCA के थ्रू चल रहा है, और जब ब्लू हो जाएगा तब ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो एम्पलीफायर जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू जो है ऑडियो रन कर रहा है। तो यदि हम इस एम्पलीफायर के रियर साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो है दो इनपुट्स देखने मिल जाती है लाइन इन की, जो कि आपकी RCA इनपुट होने वाली है। उसी के साइड में हम देखें तो यहाँ पे आपको एक 3.5 mm का जैक मिल जाता है, जो कि एक प्री आउट है, यानी कि आप इसके ज़रिए जो है दूसरा एम्पलीफायर भी लगा सकते हैं, कपल कर सकते हैं। और उसी के साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है स्पीकर टर्मिनल्स मिल जाते हैं, जो कि आपके स्पीकर आउटपुट है, और ये एक 2.1 लेआउट में है, जिसको कि हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। और स्पीकर टर्मिनल्स के बाजू में ही देखें तो यहाँ पे जो है आपको एक DC सॉकेट मिल जाता है, जो कि आपका DC पावर इनपुट जो आपका एडेप्टर है उसका कनेक्टर यहाँ पे लग जाएगा। और उसी के ठीक बगल में यहाँ पे एक आपको ब्लूटूथ के एंटीना के लिए एक सॉकेट मिल जाता है, और यहीं पे इसी सॉकेट में जो हमें ब्लूटूथ का एंटीना मिला है बॉक्स के अंदर, हमें वो इस सॉकेट में जो यहाँ पे लगाना है। तो चलिए इसके साथ जो हमें एंटीना मिला था अब उसको हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए सिंपली आपको जो आपका एंटीना मिला है उसको इसके ऊपर जो है स्क्रू ऑन कर देना है, यानी कि इसके ऊपर आपको लगा के बस आपको इसको टाइट कर देना है, और टाइट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको जो है ऊपर के साइड से फोल्ड कर देना है। तो जैसे कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है तो चलिए अब इस प्रोडक्ट को हम जो है पावर ऑन कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर अभी मैं जो है सॉकेट इसका लगा देता हूँ, यहाँ पे DC 19-36 वोल्ट लगा हुआ है, और इसमें अब मैंने जो है सॉकेट लगा दिया। अब इसको हम पावर ऑन करके इसका साउंड टेस्ट जो है कर लेते हैं। Thank you.
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है फोसी ऑडियो BT30D Pro। तो इसकी साउंड टेस्टिंग तो हमने कर ही ली अभी और सारे स्पेसिफिकेशंस भी हमने जान लिए। अब बात करते हैं कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे कैसे लगा। तो मुझे पर्सनली तो ये प्रोडक्ट बहुत काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी और जिसमें से जो वोकल्स निकल रहे हैं सैटेलाइट के लिए, वो काफ़ी एकदम हाई फाई क्वालिटी के निकल रहे हैं। साथ ही में जो इसके ब्लूटूथ की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे मुझे देखने को मिली है। और यदि मैं इसकी रेंज के बारे में बात करूँ तो एंटीना लगाने के बाद इसकी रेंज जो है काफ़ी वाइड हो जाती है इसके ब्लूटूथ की। और अगर इसके सबवूफर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबवूफर भी इसके अंदर आपको जो है स्मूथ बेस और जो आपका हार्ड बेस रहता है दोनों टाइप का आपके इसके अंदर जो है कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इसके अंदर। तो ओवरऑल मेरे तरफ से तो इसके लिए एक गुड स्टार है, 5 स्टार है, ठीक है। तो यदि आपको ये एम्पलीफायर लेना है आपको भी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके आप इसको आसानी से जो है खरीद सकते हैं। और तो दोस्तों कुछ ये था आज का वीडियो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।